मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 5th. बिफोर वी हैड नॉट डन इट, वी जस्ट जम्प्ड टू चैप्टर नंबर 6, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन. दिस चैप्टर इज नॉट वेरी टफ, इट इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टू डू. इन दिस चैप्टर वी विल स्टार्ट टू नो अबाउट पैटर्न्स. पैटर्न्स कैसे होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो सेम होती हैं, सेम नहीं होती हैं, दैट वी आर गोइंग टू study in this chapter turns. So let's start. Here, does it look the same? The name of the chapter is does it look the same. We in this chapter we are going to turn things around and then we will see whether the things are similar or not. So on the first page of this chapter, I have made this beautiful this pattern from a drop of color. You can make them too. Aapko simple page pe कुछ ड्रॉप्स करने हैं, कलर के गिराने हैं और फिर पेपर को फोल्ड करना है, तो अपने आप कुछ ना कुछ शेप्स बन ही जाएंगे. आप उनको अगर आपको और सुंदर शेप्स बनाने हैं तो आप उनको एक तरीके से वो ड्रॉप्स जो गिराएंगे वो आप उसको अच्छे से जमा के गिराना, ताकि जब वो आप उसको फोल्ड करके खोलें तो दैट इट विल मेक अ गुड पैटर्न फॉर यू. ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज. Here we will start our chapter. Here, what do you mean by pattern? Pattern means any kind of shape drawn, that is called pattern. Okay, in a specific, special, particular type of drawing. Okay, किसी एक तरह की drawing जो कि बनाई गई हो उसको हम pattern बोलते हैं, जो कि follow किया जाए, आगे उसका कहीं ना कहीं वो repeat हो रहा हो, बस भले वो एक बार हो बट वो आगे रिपीट हो रहा है, देन दैट इज़ अ पैटर्न. नाउ किसी भी एक ड्राइंग का रिपीट होना एक पैटर्न बनाता है. हेयर द डॉटेड लाइन डिवाइड्स, यहाँ पे यू रीड दिस, आई विल डायरेक्टली एक्सप्लेन यू. यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो डॉटेड लाइन्स है ये इस पूरे शेप को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. पर हमें कैसे पता चलेगा? मिरर हाफ्स के बारे में बताया है यहाँ पे फर्स्ट पेज पे. मिरर हाफ मतलब ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज़ है या कोई शेप है, जब आप उसको हाफ़ फोल्ड करेंगे कहीं से भी, कोई भी एक लाइन ऐसी होनी चाहिए वहाँ पे जहाँ से अगर आप उसको हाफ़ फोल्ड करेंगे तो वो सेम आना चाहिए. एक के ऊपर एक जब वो आए तो वो बिल्कुल एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप करें. ओके, हेयर फॉर एग्जाम्पल लेट मी ब्रिंग अ पेपर. दिस आई हैव अ पेपर. नाउ विल इट बी अ मिरर हाफ? अगर मैं इसको फोल्ड करूँ हाफ यहाँ से, विल इट बी द मिरर हाफ? तो हम फोल्ड करके देख लेते हैं इस लाइन से. ये जो ड्राइंग वाली लाइन है जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ की है, लेट मी मेक इट विथ डिफरेंट कलर सो यू विल अंडरस्टैंड. ओके, मैं आपको इस चैप्टर की सारी चीज़ें इन अ शॉर्ट फॉर्म में पूरा समझा दूँगी, देन यू विल अंडरस्टैंड. ये मैंने रेड लाइन्स करी है ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ वो लाइन मैंने ड्रॉ की. सो इफ आई विल मेक इट फ्रॉम हेयर, इज इट मिरर हाफ, येस और नो? नो इट इज़ नॉट, बिकॉज देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना, दैट इज़ नॉट अ मिरर हाफ. और वन मोर थिंग जिसमें डिफरेंट है वो ये है कि ये जो ब्लैंक एरिया है, ये यहाँ पे ब्लैंक एरिया इस साइड में नहीं है, दैन इट इज़ नॉट अ मिरर हाफ. यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, दैन दैट इज़ नॉट अ मिरर हाफ. लेकिन अगर हमें इसको मिरर हाफ बनाना है तो ये जो लाइन हमने रेड पेन से ड्रॉ करी है वो लाइन हमें अलग जगह पे ड्रॉ करना. दैट मीन्स हमें अगर इसको मिरर हाफ बनाना है कि ये एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली ओवरलैप करे, देन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा. अब ये वाली जो लाइन है ये मिरर हाफ वाली लाइन, जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ये पूरा अच्छे तरीके से एक के ऊपर एक आएगा, यहाँ पे कॉर्नर्स पे से भी नहीं निकला है. ओके, ठीक है, ये यहाँ पे कॉर्नर पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एक के ऊपर आ रहा है, तो ये मिरर हाफ.
सो ये जो लाइन है ये आपकी लाइन हो गई मेरा राम वाली लाइन. अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है. नाउ अबाउट दिस चैप्टर देयर आर मोर पॉइंट्स. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ये शेप बनाया, यही शेप मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा सकती हूँ. हाउ लेट मी शो यू. सो उसमें क्या करना है हमें, इट इज़ वेरी इजी कि जो भी शेप होता है जो इसमें दिया हुआ होता है, जैसे कि अगर ये शेप है तो हमें बस इतना करना है कि इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है और फिर हमें देखना है कि ये दूसरे साइड में फोल्ड हो रहा है या नहीं. जैसे कि मैंने ये हाफ ड्रॉ किया. ओके जब मैं इसको ऐसे कर रही हूँ ठीक है, और जब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये सेम होना चाहिए. सो जब हम इसको अब अपन ओपन करेंगे तो मैंने ये शेप बनाया है जो कि थोड़ा सा ऐसे ही है. तो ये अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली ओवरलैप करना चाहिए. यानी कि जब आप इसको इस शेप में कट करेंगे, जो कि हम यहाँ से इसको ऐसे ऐसे करते हैं कट, तो ये दूसरे साइड भी यही शेप जो है वो सेम जाना चाहिए. ठीक है, यू कैन नॉट कट इट क्योंकि वो कॉर्नर है, अगर वहाँ से कट कर देंगे तो वो सही से नहीं हुआ. ओके सो ये मैं आप लोगों के सामने करके दिखा रही हूँ आपको, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरलैप. ओवरलैप मतलब बिल्कुल सेम तरीके से एक के ऊपर एक आना. हम थोड़ा बहुत यहाँ पे इसलिए छोड़ देंगे ताकि जो शेप है वो थोड़ा बहुत सेम हो. सो ये देखिए ये जो शेप है ये बिल्कुल परफेक्टली एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, बट बिकॉज हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ताकि वो उसमें अटैच्ड रहे, पूरा अलग ना हो जाए, हमने उसको टियर नहीं किया है. पर जब आप इसको फोल्ड करेंगे ये आपको एक्स्ट्रा यहाँ से निकला हुआ नहीं दिखेगा, ये बिल्कुल सेम दिखेगा. दैट मीन्स दिस इज़ अ परफेक्ट मिरर लाइन दैट विल पार्ट दिस शेप इंटू टू मिरर हाफ. तो बस आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें आपको यही लाइन फाइंड करनी है कि इन शेप्स के लिए वो लाइन कौन सी होगी. ठीक है, सो नेक्स्ट पेज हियर इट इज़. यहाँ पे आपको टोटल 15 दिए हैं जो मिरर हाफ जिस शेप में बने हुए हैं, ये जो आपको पहले से इसमें डॉटेड लाइन्स दी हैं, यू हैव टू सी अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से देखना है और राइट रॉन्ग टिक करना है. जो मिरर हाफ हैं उन पे राइट लगाना है और जो मिरर हाफ नहीं है उन पे रॉन्ग लगाना है. ओके यू हैव टू डू दिस. नाउ टर्न द पेज. आफ्टर टर्निंग द पेज हेयर इट इज़ ऑल्सो द सेम वन. यहाँ पे ये बताया है कि ये शेप है और ये मिरर हाफ है. हमने कांच कहाँ रखा है, इस डॉटेड लाइन पे ये मिरर रखा हुआ है, तो ये सेम दिख रहा है. अब हमें इस फिगर में लाइन ड्रॉ करना है कि कहाँ पे हमने मिरर रखा है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी. इसी तरीके से आपको ढूंढना है इसमें आपने लाइन जो बनाई है वो कहाँ है, ये वाली लाइन बनाई है इसमें. अगर आप यहाँ पे इस लाइन के हिसाब से मिरर रखेंगे तो ये वाला फिगर आपको देखने मिलेगा. ओके इसमें आपको यहाँ ये बनाना पड़ेगा. नो यस ये जो मैंने लाइन बनाई है ये सेम है. अब इस वाले में ये शेप आना चाहिए, कहाँ मिरर रखें हम, ये देखो पहले तो ये इसका ये पूरा है, फिर इसके गर्दन के नीचे की थोड़ा सा एरिया उसने लिया हुआ है. दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके का बनेगा. यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा मिरर ताकि ये जो दूसरा है वो मिरर आप इस तरीके का मिरर बने. ऐसे आपको इसमें भी करना है, इसमें भी करना है. दिस इज़ योर होमवर्क, इन दो का आप खुद करेंगे. ये भी सेम है, ये भी आपको खुद ही करना है. सो आई विल पुट इट इन होमवर्क. ओके नाउ हेयर इज़ अबाउट हाफ टर्न. लेट मी एक्सप्लेन यू हाफ टर्न होता क्या.
हाफ टर्न मीन्स किसी भी सीधी चीज़ को, लाइक दिस इज़ हेयर नो, ये स्केल है स्ट्रेट, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 0 है. अगर मैं इसको हाफ टर्न करूँगी तो क्या होगा, 0 ऊपर पहुँच जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड हाफ टर्न. ओके, दिस पेन आई हैव, दिस इज़ अप हेयर, द कैप इज़ हेयर. अगर मैं इसको हाफ टर्न करूँगी तो ये कैप ऊपर आ जाएगी और ये जो है वो नीचे चला जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड हाफ टर्न. समझ में आया हाफ टर्न कैसे होता है? नाउ विथ दिस थिंग हेयर देर इज़ अ स्टोरी अबाउट अ किंग एंड इज लॉकर. वंस देर वॉज अ किंग, ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स कैप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर. एक किंग था, वो बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उसके जो लॉकर था उसमें से चोर बहुत सारी इंपॉर्टेंट ज्वेलरी चुरा के ले जाते थे. हेयर इज वॉट द लॉकर लुक्स लाइक. लॉकर ऐसा दिखता था. अब यहाँ पे ये जो लॉकर का लॉब है ये देखो आप. हेयर द लॉकर कुड बी ओपन्ड बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ टर्न. अगर आप इसको हाफ टर्न करेंगे तो ये लॉकर लॉक हो जाएगा और एक और बार हाफ टर्न करेंगे तो ये खुल जाएगा. नाउ द लॉकर विल बी, और अगर उसके बाद एक और हाफ टर्न करोगे तो जो लॉकर है वो दोबारा लॉक हो जाएगा. सो द किंग वुड ऑफ्टन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड. कैन यू गेस द रीज़न? अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो किंग था वो बार बार उसको खुला छोड़ जाता था ये सोच के कि ये लॉक हो चुका है. आपको पता है ऐसा क्यों है? रीज़न, कारण बताना है. हाँ मुझे पता है इसका रीज़न क्या. वॉट? बिकॉज द नॉब आफ्टर हाफ टर्न ये सेम ही दिखेगा. अभी यहाँ पे देखो येल्लो येल्लो ऊपर है, ऑरेंज ऑरेंज साइड में. जब आप इसको हाफ टर्न करेंगे, बुक को हम ऊपर उल्टा सीधा करके देखते हैं, वॉट इज इट लुकिंग लाइक? अभी भी है येल्लो येल्लो ऊपर नीचे आ रहे हैं और ऑरेंज ऑरेंज साइड में आ रहे हैं, राइट? दैट मीन्स इसको कैसे उल्टा करो चाहे सीधा करो, हाफ टर्न करो चाहे ना करो, दिस विल लुक सेम. ये जो नॉब है आफ्टर हाफ टर्न ऑल्सो इट विल लुक द सेम. इसलिए वो बार बार कन्फ्यूज होता है क्योंकि आफ्टर हाफ टर्न ऑल्सो इट विल लुक द सेम. तो हमने यहाँ पे लिख दिया बिकॉज इट लुक सेम ऑन हाफ टर्न, क्योंकि हाफ टर्न के बाद भी वो सेम दिखता है, इसलिए ये जो राजा है वो बार बार कन्फ्यूज हो जाता है. नॉट वॉट वी विल डू. तो उसकी जो बेटी थी, हर डॉटर वॉज वेरी क्लेवर, शी गेव हिम एन आइडिया, सो नाउ ही नेवर गेट्स कन्फ्यूज. उसने, उसकी डॉटर ने उसको इस तरीके का आइडिया दिया कि अब वो कभी कन्फ्यूज नहीं होगा. उसका आइडिया क्या था उसकी बेटी का? द आइडिया ऑफ द डॉटर वॉज वट काइंड ऑफ द किंग्स डॉटर आस्क द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येल्लो ब्लेड्स. अब जो डॉटर थी उसने कहा कि ये जो येल्लो ब्लेड्स हैं इसमें एक ब्लेड पे ब्लैक डॉट बना लो. तो उसने ऊपर वाले उस पर ब्लेड पे एक ब्लैक डॉट बना दिया. तो अब राजा को हमेशा याद रहता है कि ब्लैक डॉट नीचे किया तो लॉक हुआ, नहीं ऊपर रहा तो लॉक नहीं हुआ. तो अब वो हर बार उसको लॉक करके जाता है. पर सिर्फ उसके पास ऐसा एक, यही एक लॉकर नहीं था, उसके पास ऐसे बहुत सारे लॉकर थे जिनमें वो कन्फ्यूज हो जाता था. दैट आर गिवन हेयर दिस फोर. सो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ ब्लैक डॉट ऑन दिस वन इज डन फॉर यू हेयर दिस प्लस पे ये यहाँ पे ऊपर बना दिए ताकि जब वो उसको हाफ टर्न करेगा तो ये डॉट कहाँ आना चाहिए, हाफ टर्न पे नीचे. ओके, सो नाउ हेयर आर सम शेप्स. You have to tell which are the shape which will look same on half turn. इनमें से कौन से shapes हैं जिनको अगर आप half turn करोगे तो same दिखेंगे, उस पर आपको टिक करना है. जैसे कि मैंने एक पे आपके लिए पहले से कर रखा है, ऐसे ही आपको ढूंढना है और बताना है. ओके, दिस इज योर होमवर्क. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. हेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ट्रेस द आउटलाइन. इस लड़की ने एक शेप बनाया है, उसके ऊपर एक शेप लिया है. जैसे कि मैंने आपको अभी पेपर दिखाया था, वो पेपर लिया है. ये मेरी स्केल है, मैंने इसका एक शेप एक पेपर पे बना लिया. अब मुझे यही शेप दूसरे पेपर पे भी बनाना है और फिर मैं उसको कट कर लूँगी. फिर मैं उसको ही इस पेपर को हाफ टर्न करके देखूँगी और फिर दूसरा वाला जो पेपर जो मैंने कट किया है इस शेप का, उसको ऐसे रख के देखूंगी कि क्या ये इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली कवर कर रहा है. अगर कर रहा है दैट मीन्स इट इज़ अ मिरर हाफ, अगर नहीं कर रहा है तो ये मिरर हाफ नहीं हो पाएगा. सिमिलरली
ऐसे ही आपको सब चीज़ करके देख सकते हैं आप. सो दिस इज़ वेरी इजी. अब बारी आती है प्रैक्टिस टाइम. दिस यू हैव टू डू इन होमवर्क इन योर कॉपी. ये कॉपी में होगा. अभी तक कुछ भी कॉपी में नहीं किया हमने 5 चैप्टर का, पर अब हम करेंगे. अब इसमें प्रॉब्लम ये है, फाइंड आउट विच लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक सेम ऑन हाफ वर्क. ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो इसमें ए बी सी डी में होते हैं, अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, जो उल्टे करने पे भी सेम लगते हैं. देखो ए है, ये ए, इसको उन्होंने हाफ टर्न किया तो ये कैसा लग रहा है? क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं? नहीं, तो ए नहीं है. ऐसे ही डी, डी ऐसे बनता है, पर इसको जब उन्होंने उल्टा किया तो क्या ये सेम लग रहा है? नहीं. तो आपको ऐसे बना के देखना है कि कौन सा सेम लगेगा कौन सा नहीं, और यहाँ पे लिखना है. मैंने दो लिख रखे हैं, आई और एस. आई को अगर आप उल्टा भी करेंगे तो भी ये सेम ही दिखेगा, एस को अगर आप उल्टा करेंगे तो भी ये सेम ही दिखेगा. ऐसे ही आपको इसमें ढूंढना है कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं वर्ड्स. तो ये जूम नहीं होगा, बाकी ये सारे हैं. आप ट्राई करके देखेंगे. आई एम टेलिंग यू, बट डोंट बिलीव ऑन मी. यू डू इट बाय योरसेल्फ. दिस ऑल्सो टिल फ्रॉम 0 to 9 यू मेक ऑल द नंबर्स, राइट ऑल द नंबर्स एंड ट्राई टू मेक इट अपसाइड डाउन ऑफ हाफ टर्न. व्हेन यू विल मेक द हाफ टर्न देन यू चेक इज इट लुकिंग द सेम. इफ येस देन राइट इट हेयर, इफ नो देन डोंट राइट इट हेयर. ओके, थिंक ऑफ 2, 4. दिस आई हैड गिवन सम एग्जाम्पल्स लाइक 2-digit number who will look the same on half turn. This will look the same on half turn? No. 80 will not look. This will look. Because if you will put it 80 on half turn, it will become 0 and 8. So this is wrong. These are the right ones. Here also, 1, 0, 1. When you will turn it, this will come here, this will come here, but it will still remain 101. So like this we had made. You make more than this, okay? 3 more you make. Here also I had done 2, you do these 3. Okay? Now turn the page. This is also your homework. Draw this in your fair copy and you have to make it turn half, okay? And it you have to then check which are the shapes that are looking same on half turn and which are the shapes that are not looking same on the half turn. Got it? Like I had done one. This is straight the shape, after half turn it will look like this. So this is not, okay? This will not look same on the half turn. Now coming on to this page. 1/4 turn it is here, the main thing. Does your windmill look the same on 1/4 of a turn? Windmill ये होती है, ये जो बच्चे पेपर को फोल्ड करके और फिर बनाते हैं, ये आप सब लोगों ने बनाई होगी when you were small. So आपको ये देखना है कि 1/4 turn, half turn तो आपको पता है upside down होता है, ये है तो ये अगर ऐसे ही हम इसको घुमा के ये नीचे ले आए, सो दिस इज़ हाफ टर्न, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर. बट वॉट इज़ 4th turn? जब ये ऊपर है, और 4th turn कैसा होता है? 90 degree यू हैव टू टर्न. आप इसको ऐसे टर्न करेंगे तो ये हो गया 1/4 turn. इसको दोबारा टर्न करेंगे ऐसे तो ये हो गया 1/4 turn. फिर ये 1/4 turn और फिर ये 1/4 turn. यानी कि आपको इसको 90 डिग्री पे टर्न करना. जैसे कि आई विल एक्सप्लेन यू. वेट, हेयर यू सी दिस इज अ पेपर. आई हैड ड्रॉन समथिंग. जब फॉर हाफ टर्न, जब भी कोई शेप होता है जिसका हाफ टर्न होता है, तो जो जैसे कि ये माना एरो, ये अब इसको हाफ टर्न किया तो क्या बनेगा? ऐसा बन जाएगा ये, करेक्ट? सो ये हाफ टर्न यानी कि ये 2 बार में कंप्लीट हो गया, और ये 3rd बार में वापस सेम शेप आ गई. 3rd बार में आया ना, सो 1, 2 and 3 ये 3rd टाइम में वापस सेम आ गया. बट इन 4th, 1/4 turn
लेकिन जब हम किसी भी चीज़ का 1/4 टर्न करते हैं तो वो 5 टाइम में सेम फर्स्ट जैसा 5th टाइम पे आता है। चेक करें, विद दिस ओनली वी विल चेक। सो दिस इज़ फर्स्ट, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, हेयर सेम नो। नाउ 1/4 टर्न विल कम दिस साइड, ओके, क्योंकि 4th टर्न है तो ये इस साइड आए। फिर इट विल कम दिस एंड देन इट विल कम दिस वे, चेक इट, ओके। ये और फिर जो 5th नंबर आएगा उसमें ये दोबारा सीधा हो जाएगा, ये 5th टर्न पे। सो दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5th। सो ये फर्स्ट वाला सेम कौन से टर्न पे आया? 5th। सो दिस इज कॉल्ड 1/4 टर्न, क्योंकि ये 4 टर्न्स के बाद वापस फर्स्ट जैसा आएगा, इसलिए इसको 1/4 टर्न बोलते हैं। और ये 2, यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो ये 2 टाइम के बाद वाले नंबर पे सेम 1 जैसा आ जाता है, इसलिए इसको हाफ टर्न बोलते हैं। सो वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग फॉर हाफ टर्न, आपका जो साइन बोर्ड रहेगा वो ऐसा रहेगा, सेंटर से आपको इस तरीके से करना है, पहले ऊपर फिर नीचे, जो उसका ऊपर का हिस्सा है उसको पहले ऊपर करना है, फिर नीचे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऊपर करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऊपर, लाइक दिस इट विल गो, ओके। लेकिन जब 1/4 टर्न आता है तो 1/4 टर्न में क्या होता है? ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। सो व्हेन इट यू विल गो 1, then 2, then 3 and then 4, ऐसे जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो वो है शेप, ये इस तरीके से टर्न होता है। सो व्हेन यू विल डू इट, ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर जो इसका नेक्स्ट वाला है वो यहाँ आएगा, ठीक है, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। आप, आई होप आप लोगों को कुछ तो समझ में इसमें आया ही होगा, दैट हाउ इट विल गो। नाउ फॉर एग्जांपल वी विल ड्रॉ सम मोर, ठीक है, आपके लिए मैं एक एग्जांपल, ये शेप है जो सेम है, अगर हम इसको 1/4 टर्न करेंगे तो इट विल बिकम, क्योंकि ये लंबा है ना, यहाँ पे इसकी लेंथ लंबी है इससे, ओके, सो ये ऐसा बनेगा। फिर इसको दोबारा 1/4 टर्न करोगे तो ये दोबारा इसके जैसा दिखेगा, पर यहाँ पे ये जो सर्कल है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ का जो सर्कल है इस बार नीचे आ जाएगा। फिर आप इसको एक और बार 1/4 टर्न करोगे तो ये ऐसा बनेगा, पर ये जो सर्कल है वो यहाँ आएगा। फिर 1/4 टर्न दोबारा करोगे इसको ही तो ये जो है वो यहाँ आ जाएगा ऊपर, ये पहले यहाँ था, ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, इसी तरीके से इसको करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा ऊपर, ये आया और ये। सो दिस इज कॉल्ड 1/4 टर्न। आया समझ में? सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये यहाँ पे बताया हुआ है कि ये 1/4 टर्न है या नहीं, ये 1/4 टर्न है क्योंकि इसके सारे कलर सेम है तो ये ऐसा ही दिखेगा। बट दिस पेज यहाँ पे क्या है, कलर्स डिफरेंट हैं, तो दिस विल चेंज। यहाँ पे क्या है, कलर्स डिफरेंट है तो कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अभी ऊपर नीचे में ब्लू है, बाद में यहाँ पे ऊपर नीचे में क्या आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा, यहाँ यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा। सो दिस इज़ योर होमवर्क, दीज 2 पेजेस, दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। इनमें आपको पहले जैसे टिक करना है कि कौन कौन से शेप्स हैं जो सेम दिखेंगे ऑन 1/4 टर्न, ओके। दिस ऑल्सो यू हैव टू डू, दीज, दिस एंड दीज, ऑल यू हैव टू चेक वेदर दे विल लुक सेम ऑन 1/4 टर्न और नॉट, ओके। नाउ हियर ट्राई टू डू दिस, अगर ये जो ट्राइंगल है इसको आप 1/4 टर्न करेंगे तो ये ट्राइंगल कैसा दिखेगा, ये देखेगा 1/4 टर्न पे ऐसा, राइट लेकिन अगर आप इसे हाफ टर्न करेंगे तो ये देखेगा ऐसा। सेम स्क्वायर तो सेम ही दिखेगा क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं,
इट वॉन्ट चेंज एनीथिंग. ये ज़रूर 1/4 टर्न पे ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसा दिखेगा 1/4 टर्न पे, लेकिन हाफ टर्न पे ये सेम ही दिखेगा. सो लास्ट वन यू डू हेयर एंड हेयर, आई लीव इट टू यू. डोंट डू इट इन कॉपी, जस्ट मेक इट ऑन द वेयर इन द बुक ओनली. दिस ऑल्सो यू डू इट बाय योर सेल्फ. विच फैन विल लुक सेम ऑन 1/3. नाउ व्हाट आई टॉट यू बिफोर, द सेम थिंग हैपन्स हेयर. अब 1/3 टर्न पे क्या होगा, मैंने आपको पहले ही, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कि जब भी आप इसको करेंगे तो ये वाला जो है ये यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद ये फर्स्ट वाला सेम आ जाएगा. यहाँ पे 4 है तो 4 के बाद वाला जो नंबर है उस पर ये सेम आएगा फर्स्ट जैसा. ऐसे ही सेम 1/3 टर्न में होता है. जब हम किसी भी चीज़ को 1/3 टर्न करते हैं तो वो कैसे टर्न होगा, पहले तो वो ऐसा रखा होगा, फिर वो ऐसे शेप में टर्न होगा, और फिर वो ऐसे शेप में टर्न होगा. जैसे कि आई विल एक्सप्लेन यू विद दिस ओनली द शेप. जब आपको सेम शेप से पता चलेगा तो आपको जल्दी समझ. सो दिस इज़ योर फर्स्ट वन, दिस इज़ गिवन. ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको 1/3 टर्न करना. जब आप इसको 1/3 टर्न करेंगे तो ये जो एरो है वो कहाँ आएगा, ऐसे में आएगा, डायगनल. ओके, और ये ऐसे में. सो दिस इज़ योर 1/3 टर्न, और ये सेकेंड नंबर का है. ठीक है, फिर अगर आपको किसी ने बोला इसको और 1/3 टर्न देना है, सो इट विल कम लाइक दिस. ओके, सो दिस इज 3rd नंबर एंड दिस इज ऑल्सो 1/3 टर्न. अब ये 3rd नंबर है ना, ये 3rd, इसके बाद ये बिल्कुल सेम आ जाएगा शुरू जैसा, जैसा आपका फर्स्ट नंबर पे था. ये देखो आ गया 4th नंबर. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड 1/3 टर्न, ऐसे पता चलता है. तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर का पॉइंट है वो अगर ऐसे 3 बार में आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, 1/3 टर्न है. अगर फर्स्ट वाला जो सेम है वो 4th नंबर पे आ रहा है तो ये 1/3 टर्न है. अगर जो फर्स्ट वाली जो ड्राइंग है वो 5th नंबर पे आ रही है तो 1/4 टर्न है. और अगर जो फर्स्ट वाली ड्राइंग है वो 3rd नंबर पे सेम आ रही है तो ये हाफ टर्न है. गॉट इट? ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स लाइक दिस. टर्न इट इन 1/3 टर्न, क्या ये सेम लगेगा? येस, इट विल कम द सेम. हेयर ऑल्सो दे हैड गिवन यू सो मैनी थिंग्स, यू हैव टू चेक इट. नाउ हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1/3 पे सेम दिखेगा और 1/6 पे सेम दिखेगा? अगर कोई एक शेप है जिसकी साइड्स जो नंबर यहाँ लिखा है उसके बराबर है तो वो हर 1/3 वन, हर बार जब भी आप उसको 1/6 टर्न करेंगे वो सेम दिखेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पे भी 6, और उसकी साइड्स भी कितनी है, 6 है. तो जब भी आप उसको 1/6 टर्न देंगे तो सेम ही लगेगा. ओके, सो यहाँ पे ये दिया है आपको इसको 1/3 पे करना है. मैं आपको एक करके दिखाती हूँ इनमें से, ये वाला मैं आपको बुक में एक करके दिखा रही हूँ, बाकी ये 3 आप करेंगे फॉर यू इन योर होमवर्क. ओके, ये करेंगे, ये मैं कर रही हूँ. सो व्हाट आई विल डू हियर, 1, 2, 3 3 सर्कल्स आते हैं. अब मैंने यहाँ पर डॉट बनाया, क्यों? देखो किंग की तरह हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, वी शुड नॉट गेट कन्फ्यूज बाय दिस. सो हमें इसको बहुत समझदारी से करना पड़ेगा. तो आपको भी इसको ऐसे कलर करना है, आप इसको ऐसे कलर करो. अब जैसे कि ये कलर है ना, तो इसको ऐसे बनाओ, लाइन बनाओ कि ये जो ये वाली जो लाइन है ट्राइंगल, अंदर वाले ट्राइंगल की, ये हमें ऐसे चाहिए. ठीक है, जो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हो हमें वो चेक करना है. फिर अब 1/3 यानी कि ऐसा है तो अब ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा. ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना 1/3. तो ये वाला मुझे कहाँ लेके आना है, इधर, इधर लेके आऊँगी इधर, तब ये बनेगा 1/3 टर्न. तो अब मैं क्या करूँगी,
कि पहले जो मेरे को चाहिए ये मेरा 1/3 टर्न हो गया, ठीक है, ये पॉइंट इधर आ गया, मैंने पहले वही वाला सर्कल बनाया है जिसपे पॉइंट है। अब अकॉर्डिंग टू दिस मुझे दो बाकी दो बनाने हैं, तो जब मैं इसको बाकी दो बनाऊंगी इट विल बी लाइक दिस, ये हमारा बन गया। सो ये इस तरीके से बना, ओके। नाउ यहाँ पे 1/3 टर्न था, अब 1/6 क्या होता है कि ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा यहाँ पे एक मैंने ये छोड़ दिया 6, यानी कि ये 6 टाइम्स में टर्न होगा, 7th टाइम पे ये वापस यहाँ आना चाहिए। तो जब हम इसका 1/6 टर्न करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे ये आ गया, क्योंकि ये है ना लाइन, तो ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए और ये, तो ये 1/6 पे चेंज होगा पर 1/3 पे चेंज नहीं होगा। आपको भी ये इसी तरीके से बनाने हैं, सो डू इट बाय योर सेल्फ। आफ्टर दैट हियर दिस इज आल्सो, दिस चैप्टर इज रियली वेरी इजी। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स हियर एंड टिक देम, फाइंड आउट विच ऑफ दिस शेप्स फिगर्स लुक सेम ऑन 1/3 टर्न, मार्क दैट। जो 1/3 टर्न पे सेम लग रहे हैं उस पर आपको टिक करना है, ओके, लाइक दिस। विच आर द वंस दैट विल नॉट लुक सेम ऑन 1/3 टर्न, जो नहीं लगेंगे उस पर आपको क्रॉस करना है, ओके। नाउ हियर Try and change the shape below in such a way that they look same. अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा करना है कि ये शेप 1/3 टर्न पर सेम लगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस हेयर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ब्लू बना है ना, हमें बस क्या करना है सेम ब्लू इधर और इधर बनाना है। अब हमने यहीं पर क्यों बनाया, क्योंकि ये इस लाइन के सेंटर में है, तो इसके सेंटर में हमें बनाना है इसके सेंटर में, यानी कि येलो के नीचे एक ब्लू है, तो हमने उसको देख के यहाँ पे ये था इसलिए हमने इसको भी यहाँ पे ऐसे बना दिया। अब आप इसको कहीं से 1/3 टर्न करेंगे तो ये सेम दिखेगा। इसी तरीके से इन में किस में क्या चेंज कर सकते हैं आप, वो आपको चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, तो आप इसमें यहाँ पर और यहाँ पर एक येल्लो बना दीजिए, तो ये भी सेम हो जाएगा, लाइक दैट, ओके। ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न, कुछ शेप्स ऐसे बनाने हैं आपको जो 1/3 पे सेम लगे, कुछ ऐसे ड्रॉ करने हैं जो 1/6 पे सेम लगे। सो ये दोनों आप कॉपी में कर सकते हैं, दिस इज योर होमवर्क, ऑल वेरी इजी, डू इट हियर अवर चैप्टर नंबर 5 एंड दिस इज वेरी इजी, डू इट बाय योर सेल्फ, यू विल एंजॉय इट वेरी मच, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, बिकॉज देयर आर ऑल ड्राइंग्स इन दिस चैप्टर नंबर 5। नाउ आफ्टर दिस वी विल डू चैप्टर नंबर 7, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू दिस ओनली। चैप्टर नंबर 7 इस चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए हम इसके बाद डायरेक्टली अब 7 चैप्टर करेंगे, 6 हमने PT2 में पहले ही कर लिया है। थैंक यू, स्टडी वेल।